नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजे वैकेंसी हब में। दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान CHO से रिलेटेड दो चीज़ों के बारे में अपन देखने वाले हैं। पहली चीज़ है जो आपको ज्वाइनिंग मिली है वो कौन से ज़िले में मिली है, और जो है क्या आप जिला चेंज करवा सकते हो उसके बारे में, और दूसरी ये है कि इसकी वेटिंग लिस्ट है वो कब आने वाली है। ठीक है, तो गाइस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। और इसके अलावा पूरे भारत की किसी भी वैकेंसी से संबंधित कोई भी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार NHM चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर की तरफ से ये नोटिस निकला है 10/5/2021 को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत CHO के 7,810 पदों पर संविदा भर्ती है, तो विज्ञप्ति दिनांक 31/8/2020 को जो है विज्ञप्ति आई, और उसके बाद स्क्रीनिंग परीक्षा हुई 10/11/2020 और जो है चयन सूची 8/मई/2021 को निकली है, दो दिन पहले ही। तो इसमें जो है आपको अभी एक बार लिया जा रहा है, किस आधार पर लिया जा रहा है, तो अभी 2-3 महीने के लिए जो है जो भी CHO कैंडिडेट अभी सेलेक्ट हुए हैं उनको एज ए UTB वैकेंसी की तरह ही लिया जा रहा है, यानी कि 7900 यानी 7900 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी, और कोविड में आपको ड्यूटी करनी है। ठीक है, यानी कि 2-3 महीने आपको कोविड में ड्यूटी करनी है, उसके बाद आपका जो है जो अपने कोर्स होगा ब्रिज कोर्स वो करवाया जाएगा। हो सकता है कि उस ब्रिज कोर्स में 6 महीने की जगह आपको 4-3 महीने का ही कोर्स करवाया जाए और जो है आपकी वापस सैलरी जो है बढ़ सके। ठीक है, और अब बात करते हैं अनुपस्थित अभ्यर्थियों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी कि जो भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनमें से किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो उसकी जगह जो है आपके वेटिंग लिस्ट आएगी, वो कब आएगी वो भी बताऊंगा मैं। और इसके बाद संयुक्त निदेशक जो है चिकित्सा चयनित अभ्यर्थी ओरिएंटेशन प्रशिक्षण के अगले कार्य दिवस की संबंधित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कार्य ग्रहण करेंगे, और जो है CHO विज्ञप्ति के वर्णित शर्तों के अधीन जो है निर्धारित ब्रिज कोर्स प्रोग्राम वो मैंने अभी बता दिया आपको इग्नू की तरफ से जो है 2-3 महीने बाद में ही करवाया जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट आपके जो है ऐसा बताया जा रहा है कि 15-20 दिन के अंदर ही वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, और स्पोर्ट्स कोटे के जो भी कैंडिडेट हैं उनको जो है ज्वाइनिंग की बात करें या फिर उनकी जो लिस्ट की बात करें तो स्पोर्ट्स कोटे की भी जो है 5-7 दिन के अंदर पूरी लिस्ट आ जाएगी। जो भी 400 और कुछ कैंडिडेट को वेटिंग में रखा है, पीछे रखा है, उनकी आ जाएगी, और वेटिंग लिस्ट जो है आपके 1 महीने के अंदर आ जाएगी। तो गाइस यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनको कौन सा जिला मिला है इसकी पूरी लिस्ट पाना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।